ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कौन कौन भाषा में जो कह सकते हैं कि लिया जाता है, या फिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो है किस लैंग्वेज में कंडक्ट कराई जाती है, या कोई भी विद्यार्थी, कोई भी परीक्षार्थी, या फिर कोई भी यूपीएससी सिविल सेवा वाले एस्पिरेंट्स जो इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं या इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं, वो यह जानना चाहते हैं कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हम किस किस भाषा में, किस किस माध्यम में दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसका अगर हम एक वाक्य में उत्तर दूं, अगर एक वर्ड एक सॉरी एक सेंटेंस में उत्तर दूं, तो यह होगा कि जो हमारे संविधान के, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के 8वें शेड्यूल में जितनी भी भाषाएं, उस तमाम भाषाओं को हम अपना लैंग्वेज और माध्यम चुनकर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं और बैठ सकते हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है जी, अब हम एक उदाहरण के लिए बता दूं कि जैसे इंग्लिश, तो बहुत सारे इंग्लिश एस्पिरेंट्स होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में बचपन से पढ़े होते हैं, साथ साथ हिंदी बहुत पॉपुलर है, तो ये दो आम भाषाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जो क्वेश्चंस पेपर छपते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में छपते हैं, बट यूपीएससी के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि आप अगर चाहें तो अपने रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग में दे सकते हैं, बशर्ते कि वह भारत के 8वें शेड्यूल में, भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में वह आता हो, मतलब उस 8वें शेड्यूल के सूची में उसके अंतर्गत यह भाषा आती हो और चिन्हित किया गया हो भारत सरकार के द्वारा। तो जैसे कोई भी भाषा हो, मैथिली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु, तो जितनी भी भाषा है, डोगरी, संथाली, तो जितनी भी भाषा है, यह सब भाषा जो 8वें शेड्यूल में आते हैं, उस माध्यम से आप अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर को लिख सकते हैं, मतलब आंसर शीट में अपने आंसर्स को दे सकते हैं। क्वेश्चन भले ही सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में प्रिंट हो, लेकिन आप अपने जितने भी कह सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेज है जो कि 8वें शेड्यूल के अंतर्गत अगर वह आता है, तो आप उस जो है भाषा को लेकर यूपीएससी परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।